हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ओवरहेड वाटर टैंक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक है, जो कि वाटर सप्लाई सिस्टम का पार्ट है, डोमेस्टिक वाटर सिस्टम, ठीक है। तो इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ओवरहेड वाटर टैंक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि हमारा जो रूफ होता है, स्टेयरकेस हेड हो गया या फिर ममटी होता है, वहाँ पे एक वाटर टैंक रखा होता है। फिर उस वाटर टैंक को हम लोग फिल करते हैं, कैसे, फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। आपके बिल्डिंग के आसपास आप जहाँ भी रहते होंगे वहाँ पे म्यूनसिपल वाटर मेन पाइप होता है, ठीक है। उस मेन पाइप से हम लोग क्या करते हैं, टैपिंग लेते हैं, ठीक है। वाटर मैन होल यहाँ पे बनाते हैं, मैन होल में गेट वाल्व, चेक वाल्व, वाटर मीटर वगैरह यहाँ पे लगा होता है। उसके बाद जो हमारे बिल्डिंग में अंडरग्राउंड टैंक होता है, उस टैंक के अंदर हम लोग वाटर को फिल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक वेंटिलेशन का पाइप लगा हुआ है ताकि टैंक में जो भी वेंटिलेटेड एयर है यहाँ से निकल पाए। और टैंक में यहाँ पे एक लोअर पार्ट होता है जिसे हम लोग पीट कहते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, समर्सिबल सम पंप लगा देते हैं कि इनकेस ऑफ अगर आपको ये वाटर टैंक को खाली करना है मेंटेनेंस के लिए, तो इस सम पंप से हम लोग वाटर को डिस्चार्ज कर देते हैं बाहर। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे पंप विथ स्टैंड बाई, यहाँ पे दो पंप लगा हुआ है, एक वर्किंग पंप होता है, एक स्टैंड बाई पंप होता है। और पंप का फिटिंग दिया हुआ है यहाँ पे, गेट वाल्व, चेक वाल्व, ठीक है। उसके बाद प्रेशर गेज लगा हुआ है, यहाँ पे स्ट्रेनर लगा हुआ है, यहाँ पे मेन गेट वाल्व लगा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लिफ्टिंग पंप। इस लिफ्टिंग पंप से हमारा वाटर जो होता है, वाटर वो जाता है जो ओवरहेड वाटर टैंक लोकेटेड ओवर स्टेयरकेस के रूप पे, ममटी पे जो वाटर टैंक है वहां पे हम लोग इसको फिल करने के लिए उस टैंक को। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक गेट वाल्व लगाते हैं, गेट वाल्व के साथ एक फ्लोट वाल्व लगा होता है। फ्लोट वाल्व का ये काम है कि जब आपका वाटर यहाँ पे फुल हो जाता है तो वो फ्लोट वाल्व वाटर सप्लाई को रोक देता है, फिर उस केस में वहाँ पे इस फुल होने के बाद टैंक में वाटर नहीं आता है, ठीक है। और यहाँ पे ओवरफ्लो पाइप लगा हुआ है, सेम यहाँ पे वेंटिलेशन पाइप भी है, वेंट पाइप, फिर ओवरफ्लो पाइप, और यहाँ पे ड्रेन पाइप और गेट वाल्व के साथ लगा हुआ है। जब कभी भी मेंटेनेंस करना होगा तो इस वाटर को आप ड्रेन करके मेंटेनेंस कर सकते हैं। और ये ओवरफ्लो पाइप है, जब आपका टैंक ओवरफ्लो हो जाएगा, अगर फ्लोट वाल्व काम नहीं कर रहा तो वो पानी यहाँ से ओवरफ्लो होगा, ठीक है। ये टेरिस का फ्लोर लेवल है। उसके बाद फिर यहाँ से आ गया डिस्चार्ज लाइन। डिस्चार्ज लाइन में भी एक हम लोग वेंटिलेशन का लाइन डालते हैं। उसके बाद गेट वाल्व है, इस गेट वाल्व से वाटर फिर हमारा आया नीचे। अगर बिल्डिंग बहुत बड़ा है, बहुत सारा टॉयलेट है, तो यहाँ पे एक और पंप लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं बूस्टर पंप, ठीक है। बूस्टर पंप वो बिल्डिंग के अंदर प्रेशर को मेंटेन रखता है, जैसे मान लो 1.5 bar, 2-3 bar, जितना आपको प्रेशर का रिक्वायरमेंट है उस प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए बूस्टर पंप उसको बोलते हैं। और ये पाइप का साफ्ट है, इस साफ्ट में हम लोग प्रॉपर सपोर्टिंग के साथ, अब इच फ्लोर हमने क्या किया कि एक एक टैपिंग यहाँ से दे दिया, यहाँ पे गेट वाल्व लग गया। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आता है तो इस गेट वाल्व को बंद करके उसका मेंटेनेंस किया जा सकता है। अब इस टॉयलेट में भी आप देख सकते हैं दो टाइप का पाइप दिख रहा होगा, एक पाइप है रेड लाइन और एक लाइन है ब्लू लाइन। ब्लू लाइन हमारा कोल्ड वाटर होता है, रेड लाइन हॉट वाटर होता है। और यहाँ पे जब भी आप इंस्टॉल करवाएं बेसिन का, शावर का जो भी, तो हॉट वाटर अगर कोल्ड वाटर है तो राइट साइड में हमेशा कोल्ड वाटर होता है और लेफ्ट साइड में हमेशा हॉट वाटर होता है। ये हमारा स्टैंडर्ड है ताकि कोई भी पहचान सके कि कौन सा पाइप किधर है, ठीक है। ये यहाँ पे शावर ट्रे लगा हुआ है, शावर ट्रे के लिए शावर हेड हो गया, ये हैंड स्प्रे के लिए। मिक्सर को यहाँ से आप रेगुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हीटर गीजर लगा हुआ है जिसको वाटर हीटर भी बोलते हैं, मीटर हो गया, WC हो गया, इन सब का कनेक्शन हम लोग यहाँ से दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद सेम टिपिकल फ्लोर है, यहाँ पे भी वॉश बेसिन वगैरह है, यहाँ पे भी है, और ये ग्राउंड फ्लोर का लेवल हो गया। तो और जो भी आप ड्रेन करेंगे यहाँ से, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर पानी को ड्रेन करना है तो यहाँ पे ड्रेन लाइन होता है। जैसे ये पाइप अगर चौक हो गया कभी, जैसे जाम हो गया, तो यहाँ से टैप अगर खोल देंगे तो यहाँ पे एंड कैप लगा होता है गेट वाल्व के साथ, तो यहाँ से जो भी कचरा है वो निकल जाएगा, ठीक है। डिलीवरी पाइप फ्रॉम पंप टू लिफ्ट वाटर अंडरग्राउंड टैंक टू ओवरहेड टैंक यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। और ये ग्रेविटी सिस्टम है, बाई ग्रेविटी ये वाटर आपका नीचे आ रहा है। और यहाँ पे लीजेंड दिया हुआ है, जैसे आइसोलेशन वाल्व,
जो भी यहाँ पे वाल्व देख रहे हैं इसको हम लोग आइसोलेशन वाल्व बोलते हैं। इस तरीके का वाल्व जो है वो नॉन रिटर्निंग वाल्व जिसे या चेक वाल्व भी बोला जाता है, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है लिफ्टिंग पंप में, क्योंकि ये बाई प्रेशर ये लिफ्ट करेगा और तो लिफ्ट करने के बाद वाटर रिटर्न नहीं आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा वाई स्ट्रेनर लगा हुआ है, यह हमेशा वाटर फ्लो के डायरेक्शन में लगाया जाता है, जो भी वाटर में कचरा वगैरह है उसको ये छान लेता है, ठीक है। उसके बाद ये कोल्ड वाटर का हो गया, वेंटिलेशन पाइप डॉटेड लाइन जो देख रही है वेंटिलेशन का पाइप है। उसके बाद हॉट वाटर का रेड लाइन है, जैसे मैंने बताया ये प्रेशर गेज है, ठीक है। डब्ल्यू एम मीन्स वाटर मीटर, जहाँ अंडरग्राउंड में हमने लगाया था ना वाटर मीटर, यहाँ पे मैनहोल में एक वाल्व बॉक्स बनता है जिसे वाल्व बॉक्स कहा जाता है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो गया, ओवरहेड टैंक हो गया, ठीक है। तो इस एक ड्रॉइंग में भी मैं आपको बता रहा हूँ, ऑटोकैड का ड्रॉइंग है मेरे पास, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं सेम यहाँ पे फॉलो हुआ है। जैसे कि यहाँ से वाटर इंटर हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं पे म्यूनसिपल लाइन है, ठीक है, यहाँ पे म्यूनसिपलिटी का लाइन दिया हुआ है वाटर लाइन, और यहाँ से हम लोग यहाँ पे वॉल्व बॉक्स बनाएंगे जिसमें वाटर मीटर वगैरह रहता है, गेट वाल्व रहता है, चेक वाल्व रहता है। फिर उसके बाद ये हमारा दो लिफ्टिंग पंप होता है, एक वर्किंग होता है, एक स्टैंड बाई होता है। यहाँ से इसने वाटर लिफ्ट किया, लिफ्ट किया, लिफ्ट करने के बाद यहाँ पे जितने भी ओवर टैंक रखा हुआ है रूफ पे, जैसे 5 मीटर क्यूब, और यहाँ से हमने क्या किया कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सारे टैंकों में, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका। इन टैंक से डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद, जैसे कि मैंने बताया ओवर टैंक से फिर एक बूस्टर पंप लगाया जाता है। बूस्टर पंप लगाने के बाद यहाँ भी दो पंप होता है, एक वर्किंग होता है, एक स्टैंड बाई होता है, सेम गेट वाल्व चेक वाल्व कॉम्बिनेशन प्रेशर गेज होता है, ठीक है। यहाँ से कोल्ड वाटर जो है यहाँ पे देख रहे हैं पाइप का साइज दिया हुआ है 50 mm 65 mm। अब यहाँ पे एक चीज फॉलो किया हुआ है, जो भी ग्राउंड फ्लोर है फर्स्ट फ्लोर है उसके लिए एक सेपरेट राइजर आया है जो कि बूस्टर पंप से कनेक्टेड नहीं है। इससे क्या होगा, क्योंकि हेड ऑलरेडी हमारे पास 12-15 मीटर का हेड है, तो बाई प्रेशर ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे तो वाटर आ जाएगा, लेकिन सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे वाटर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि प्रॉपर उसमें प्रेशर नहीं रहेगा वाटर में। तो उसके लिए यहाँ पे एक बूस्टर पंप लगा दिया। एक कॉस्ट कटिंग टेक्निक आप समझ लीजिए कि हम एक बड़ा कैपेसिटी का बूस्टर पंप नहीं लगा के उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक वाटर जो ग्राउंड और फर्स्ट के लिए हमने क्या किया, अगर फोर्थ फ्लोर 4 फ्लोर है यहाँ पे, तो 2 फ्लोर नीचे के जो है उसमें तो हमने डायरेक्ट सप्लाई दे दिया, क्योंकि बाई फोर्स बाई ग्रेविटी वो हमारा प्रेशर मेंटेन रहेगा, लेकिन यहाँ पे पाइप लेंथ कम होने की वजह से, हेड कम होने की वजह से प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया कि बूस्टर पंप लगा दिया। सेम वैसे ही वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हर एक टैंक में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ये। उसके बाद पिक्चर में एक और चीज आपने देखा था कि ओवरफ्लो लाइन और ड्रेन पाइप होता है, ठीक है। ओवर तो हर एक टैंक से भी आप देखेंगे यहाँ से दो पाइप आ रहा है, ओवरफ्लो पाइप यहाँ पे, ओवरफ्लो पाइप और ड्रेन पाइप यहाँ से, ठीक है। ये ओवरफ्लो होने के बाद ये लाइन ओवरफ्लो का है और ये लाइन ड्रेन पाइप का है। ड्रेन पाइप दोनों पाइप क्या हुआ कि एक कॉमन पाइप से कनेक्ट होने के बाद जो भी नियरेस्ट मैन होल है वहां पे डिस्चार्ज कर देंगे इसको। यहाँ पे गली ट्रैप लगा हुआ है। गली ट्रैप का फंक्शन ये है कि सेम जैसे पाइप वगैरह में चेक वाल्व लगाते हैं नॉन रिटर्निंग वाल्व जिससे पानी रिटर्न नहीं आता है, वैसे ही गली ट्रैप का फंक्शन होता है कि स्मेल नहीं आता है। आपके इंस्पेक्शन चैम्बर या मैन होल में अगर यहाँ पे स्मेल होगा, क्योंकि मैन होल में वेस्ट पाइप आके जुड़ता है, सोयल पाइप आके जुड़ता है, तो यहाँ पे जैसे काफी सारा वेस्ट आता है, तो वो स्मेल आपका रिटर्न यहाँ पे नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग गली ट्रैप लगाते हैं हर एक पाइप में, ठीक है। उसके बाद गली ट्रैप के बाद वो पाइप मैन होल से या इंस्पेक्शन चैम्बर से कनेक्टेड होता है, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।